कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कई बार होती है समस्याएं। कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको जानेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक वीडियो लेकर, जिसमें जानिए कि 10वीं कक्षा के दौरान आप कौन कौन से ऐसे बिंदु को अपना कर श्रेष्ठ परिणाम सिद्ध दे सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में लेकर आया हूँ कुछ नए टॉपिक आप लोगों के लिए। हेलो। हाँ, कहाँ है भाई? घर पे। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। मेरे घर पे आ जा, एग्जाम की तैयारी करता है अभी। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, बाय। हेलो भाई, गणों के बारे में बता। सी पी ए बराबर कौन, एक ही व्यक्ति जीव बने कौन हो जाएंगे, तो ए कौन ए बराबर कौन ही हो जाएगा। देख तो ए कौन सी सी ए डी बराबर कौन सी डी हो जाएगा, इसी से तुम हो जाएगा। इतना सा? अरे यार, ये तो हो गया। हाँ भाई, इतना सिंपल ही था ये। मैं तो कब से ट्राई कर रहा था, मेरे से नहीं हो रहा था, तूने कैसे किया? दे सर, मैं एक सर, उन्होंने बताया मेरे को। कौन सर? एक सर बहुत मतलब छोटी ट्रिक्स और एक टिप्स बताते हैं। चल मुझे उनके पास लेके जा। चल नमस्कार दोस्तों, ऐसी कसमकस होती है विद्यार्थियों की जब एग्ज़ाम सामने हो। परीक्षा की इस घड़ी में विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करते हैं कि क्या पढ़ूं या क्या ना पढ़ूं। हिंटस्टलन क्लासेस के सभी विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के लिए कुछ विशेष बिंदु हम लेकर आए हैं, जो हो सकता है कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। आप उन्हें पढ़कर या उन चीज़ों को समझकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हों। हमारा यही प्रयास रहा है कि जो बोर्ड की क्लासें रही हैं, रीट पटवार की क्लासें रही हैं, उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो। चलिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिनसे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर सुनियोजित ढंग से कोई प्लानिंग की जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। ले चल रहा हूं आपको एक बार फिर से महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमने ये तय कर लिया है कि हमारा ध्येय ये है कि एक निश्चित दिन परीक्षा है। अब वो आपकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, तो अब आपने समय बना लिया है कि मुझे इस दिन परीक्षा देने जाना है। सबसे पहले ये निश्चित कर लीजिए कि आपका प्रवेश पत्र आपके पास है या नहीं है। यदि आपके पास प्रवेश पत्र है तो उसे किसी निश्चित स्थान पर रख दीजिए, जो भी आपका निश्चित स्थान है वहाँ पर रख दीजिए, ताकि आपको इस बात का याद रहे कि मुझे यहाँ से प्रवेश पत्र लेना है और जाना है। आपके पास में जो भी आपका बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो भी आवश्यक सामग्री हैं, जैसे कि आपके पास पेन है, पेंसिल है, रबर है, शॉर्पनर है, या जो भी चीज़ चाहिए, वो भी एक बार आप अपने अंदर उस बॉक्स में रख लीजिए, ताकि उस दिन हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरी बात, आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, इस चीज़ को भी निश्चित कर लीजिए कि आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है। अगर घर से थोड़ा दूर है तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए कि कितना दूरी पर है और कितना समय लगेगा, मैं कितनी बजे घर से निकलूंगा तो उस परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित कर लीजिए। स्पेशल मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए कह रहा हूं, बाकी क्लासों के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको बधाई है। तो परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, कितना दूरी है उसकी, एक बार आप दूरी को चेक कर लीजिए कि इतनी दूरी पर परीक्षा केंद्र है। परीक्षा के दिनों में क्या होता है कि एक टेंशन बनी रहती है कि क्या पढ़ूँ या क्या नहीं पढ़ूँ।
बच्चे वो तैयारी करने लग जाते हैं जिस तैयारी की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आपने अभी तक में जो भी कोर्स कर लिया है और आपको लगता है कि मैंने 95% 80% कोर्स कर लिया है, तो इन्हीं पे टारगेट फोकस कीजिए, वापस पूरा फोर्स अपना इसी पे लगाइए कि मुझे 80% तो निश्चित हो। बच्चे क्या करते हैं कि 20% निश्चित करने के चक्कर में 80% को भी खो देते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो चीज़ आपको याद हो चुकी है, जो चीज़ आपको याद हो चुकी है, जिसमें आप महारथी बन चुके हैं, उन्हीं को बार बार पढ़िए और वापस याद कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ और अच्छी याद हो जाएगी। लेकिन उन 20% के लिए या 2 प्रश्न के लिए आप पीछे पड़ गए तो हो सकता है कि आप वहाँ पर पिछड़ जाए। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ इसी के साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको साइन कॉस और टेन वाले सवाल, जो आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, टेंथ क्लास की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, हो सकता है तो वो सवाल पकड़िए जो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वैदिक गणित अच्छी लग रही है तो उसे वापस पढ़िए। आकलन कीजिए कि आपके पास में नंबर कितने आ सकते हैं। जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है, साल भर पढ़ा हुआ नहीं कि आप उसे पढ़ लेंगे। आकलन कीजिए, क्या करना है, आकलन कीजिए कि आपको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ आपको नहीं आती है। जो चीज़ आती है उससे कितने अंक आ सकते हैं, जो चीज़ आती है उससे कितने अंक आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने के बाद में मेरे पास में 60% बन रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये बात आप समझ लीजिए। अपने पास में अगली ट्रिक ये है कि खान पान का जो भी है वो तरीका से ध्यान रखना है, क्योंकि देखो होली आने वाली है और होली चल रही है, यूँ कहूँगा आज होली के दिन ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको जो खान पान है, आपका जो भी भोजन है, उसका विशेष ध्यान रखें। विशेष क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो विश्व पूरा कोरोना वायरस से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं अपने अस्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको कह रहा हूं कि खान पान में विशेष ध्यान रखें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़े और ज़्यादा आपको नींद आने लगे, क्योंकि नींद आना वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। पूरा जीवन पड़ा हुआ है, पूरा साल आपने बिगाड़ा है, उसके बाद में अगर 3 घंटे में आपको नींद आ गई जबकि लग गई तो पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि खाना हल्का होना चाहिए, जो भी खाओ आप हल्का भोजन लो। ऐसा नहीं कि आपने दाल बाटी चूरमा खा लिया और एग्ज़ाम में जाके नींद निकाल रहे हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए आपको, तो विशेषकर ध्यान ये रखना है। छठी बात हमारे पास में आती है नींद की। देखिए, पर्याप्त नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान सोएगा नहीं तो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले, जो भी आपका एग्ज़ाम है, अगर आपके 12 तारीख एग्ज़ाम है, उससे पहले एक अच्छी सी नींद ले, छोटी सी नींद ले लेकिन अच्छी सी नींद ले, उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो, और फिर से पढ़ने लग जाइए। लेकिन पूरी पूरी रात भर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा नहीं हो पूरी रात भर पढ़े और एग्ज़ाम में जाके सो गए, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले से क्या करना है, नींद अच्छी लेनी है लेकिन पढ़े भी बहुत अच्छी करनी है। इससे आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं और भी पॉइंट। अगला टॉपिक हमारे पास में देखिए, अगर आपने पढ़ाई कर ली, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा विद्यार्थी ने पढ़ाई कर ली, समझ में नहीं आया, दूसरे विद्यार्थी को बुलाया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा, यह एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप अपने मित्र से किसी प्रकार की कोई चर्चा ना करें। आपने क्या पढ़ा, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, क्योंकि आपने जो किया वो हो चुका। चुनाव से पहले कोई भी उम्मीदवार यह नहीं कहता कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं राष्ट्रीय मुख्यमंत्री बन गया या मैं सरपंच बन गया, क्योंकि परिणाम आने के बाद ही ज्ञात होता है। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही कहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल जाने के बाद में किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर परिस्थिति उल्टी हो जाएगी। अरे यार, मेरे को तो ये आता ही नहीं, इसको ये आता, ये बहुत ज़्यादा पढ़ के आया, मैं कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ, ऐसी परिस्थिति में आप परेशान हो जाओगे, और जब आप परेशान हो जाओगे तो जो कुछ आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो ये भी बात याद रखने की है कि एग्ज़ाम में कभी भी अपने मित्र से, अपने सहपाठी से, अपने दोस्त से कोई भी बात नहीं करनी है। फिर बात रही आठवीं, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम का पेपर आता है। कुछ विद्यार्थियों को बड़ा शौक़ होता है पेपर को पूरा पढ़ने का, उसके बाद प्लानिंग करके काम करने का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जिन विद्यार्थियों ने पूरा पेपर सोल्व करना नहीं आया है या जो कमज़ोर हैं, वो कभी भी ये हरकत ना करें, वही क्वेश्चन उठाएं जो पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से तो सीक्वेंस वाइज प्रश्न को सोल्व करते जाएं, एक के बाद प्रश्न हल करें और उन प्रश्नों का उत्तर लिखते जाएं, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि
अगर आपको मान लो चौथे नंबर वाला प्रश्न जो है वो नहीं आता, लेकिन एक आता है, दो आता है, तीसरा ठीक ठाक आता है, तो पहला भी बिगड़ेगा, दूसरा भी बिगड़ेगा, तीसरा भी बिगड़ेगा चौथे के चक्कर में, क्योंकि वो नहीं आता, दिमाग वो सोचने लग जाता है। अब पहला, दूसरा और तीसरा तो छोटा सा था, लेकिन वो भी इसके चक्कर में खराब हो गया। तो हमेशा सिक्वेंस वाइज प्रश्न कीजिए, अच्छे से प्रश्न कीजिए और उनको सोच समझ के कीजिए कि मैंने ये प्रश्न किया है। उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए टिप, अगर आपने एग्ज़ाम में एक लाइन छोड़ी है तो आप उसमें ध्यान रखना, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप छोड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अगर किसी प्रश्न के विकल्प दे रखे हैं, मान लो कि पहला प्रश्न है उसके चार विकल्प हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब आपने क्या किया, पहला प्रश्न तो किया, पहले का पहला कर दिया, फर्स्ट कर दिया आपने, सेकंड थर्ड आपको याद नहीं, अब आप नवा प्रश्न कर रहे हो, नवे में आपको जाके सेकंड याद आ गया तो आपने सेकंड लगा के उत्तर कर दिया। ऐसा करने पर कोई भी एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, आप भी जानते हैं, तो आपने आपके हिसाब से सही किया, लेकिन एग्जामिनर आपको उसका अंक नहीं देगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, अगर उसके टुकड़े हैं उस प्रश्न के तो उन्हें एक साथ ही कीजिए, अलग अलग मत कीजिएगा। ये भी आपके लिए बात होगी। एग्ज़ाम हॉल में कभी भी कोई ऐसी चीज़ लेकर मत जाइए जिससे दुविधा उत्पन्न हो, आपको परेशान करे, बहुत ज़्यादा जेब वाले आपने जैकेट पहन लिया या ऐसा कोई पहन के चले गए तो एग्जामिनर आपको बार बार चेक करने की कोशिश करेगा, जिससे आपका समय व्यर्थ होगा। ऐसा भी नहीं करना, आप अपने विद्यालय के गणवेश में ही जाइए, जो आपकी यूनिफॉर्म है वही पहन के जाइए, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत पैदा नहीं हो। आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीज़ लेकर नहीं जानी है, जैसे कि स्केल है, लोहे के ले जाने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर आपको, आप प्लास्टिक का स्केल लेके जाइए, पेंसिल को घर से छील कर लेकर जाइए, ताकि वहाँ पर आप किसी प्रकार की अभद्रता या उसकी अस्वच्छता उत्पन्न ना करें, उनको पेंसिल छील के ले जाएँ, समय बचेगा। एग्ज़ाम जैसे हॉल में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी, आप निश्चित पहले ये चेक कर लीजिए कि मेरी ही ये चेयर है। कई बार क्या होता है, बैठना होता है 81 सीट नंबर पर और बैठ जाते हैं इंसान 18 नंबर सीट पर, क्योंकि एग्ज़ाम का इतना तनाव होता है कि उस तनाव में आपको अंक का ध्यान नहीं रहता और वहाँ पर बैठ कर आप अपने रोल नंबर लिख देते हैं, फिर एग्जामिनर आता है, फिर उसे चेंज करवाएगा, फिर उसके ऊपर सील लगेगी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। उनसे अच्छा यह है पहले चेक करें कि यह आप ही का हॉल है, दूसरा चेक करें कि आप ही की चेयर है, और तीसरा चेक करें कि आपको जो कॉपी लिखने के लिए दी गई है वो कहीं से फटी कटी टूटी नहीं है। कॉपी फटी हो सकती है, टूटी हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में वापस वो चेंज कराने में बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ भी लिखने से पहले उसे चेंज करानी है तो चेंज करा दीजिए। एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को, ये तो हमने एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बात करी, एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुंच जाएं और लिखना चालू कर देते हैं उसके बाद अलग अलग पेन का उपयोग नहीं करना है। मतलब ये हो गया कि ब्लू कलर में भी बहुत सारे होते हैं, कोई डार्क ब्लू चलता है, कोई लाइट ब्लू चलता है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। जो पेन भी लेके जा रहे हैं वो एक ही वेराइटी के दो चार पेन लेके जाने हैं, ताकि वहाँ पर इंक बार बार चेंज नहीं होगी, जिससे आप पर किसी चीज़ का डाउट ना हो और आपका समय ख़राब नहीं होगा। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मुझे लगा आप तक पहुँचाने की थी। क्लास में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, क्लास के ऐसे कई बच्चे होते हैं जो बहुत ही निम्न तबके के होते हैं, और कुछ बच्चे मिडिल क्लास यानी कि बीच के होते हैं जिनको कुछ पढ़ना तो होता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बार ये कहना, एग्ज़ाम के इन दिनों में आप जितना भी पढ़ें उतना याद रखें, और जितना याद रखेंगे उतना अपने एग्ज़ाम में लिखिए। किसी प्रकार की चीटिंग की उम्मीद मत कीजिए और सच्चे दिल से पढ़ाई कीजिए। फिर भी 10th क्लास के लिए अगर आपको कोई भी परेशानी उत्पन्न होती है, आपको लगता है कि 10वीं विज्ञान और गणित विषय में कोई समस्या है, तो मेरे ये नंबर है 9928544989। इस संबंध में अगर कोई भी दिक्कत पैदा होती है जो आपको लगे कि उसका समाधान हमें चाहिए, तो मेरे पास में ये नंबर हैं जो मेरे खुद के निजी नंबर हैं, आप मुझ पर कॉल करके बात कर सकते हैं, मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी इस पर भेज सकते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा मैसेज मत भेजिएगा। जो विद्यार्थी मेरे नज़दीकी रहते हैं उदयपुर में, उनसे भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि जो फ्री वाले बैच चलते हैं उनमें आप आ सकते हैं, उनकी क्लास आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास पर यूट्यूब पर मेरे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनसे देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों के भविष्य जो बनने जा रहा है इस 10वीं कक्षा से, मैं यही उम्मीद करता हूं वो उज्जवल हो, बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, और आप एक महान, एक अच्छे नागरिक बनकर सामने आए, समाज के लिए महत्वपूर्ण।